हाय फ्रेंड्स, पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की कंप्लेन आ रही है कि सर, जो हमारा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो टाइमिंग है, ये रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। जब भी हम कोई दूसरा कार्ड लगाते हैं या जो हमारा डेटा होता है उसको कॉपी करने के बाद भी जब हम कहीं प्रोग्राम शूट करते हैं तो ये शुरू से, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 घंटे 28 मिनट और 26 सेकंड का वीडियो ऑलरेडी इसमें कैप्चर हो चुका है, ऐसा ये कैमरा बता रहा है। जबकि इस कैमरे में अभी मात्र एक क्लिप शूट होकर पड़ी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 291 मिनट अभी ये रिकॉर्ड और कर सकता है। तो इस हिसाब से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल गलत बता रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ये जो सेटिंग होती है इसको हम टीसी प्रीसेट सेटिंग बोलते हैं। टीसी प्रीसेट सेटिंग को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, जब भी आप कभी भी नई जगह पे कैमरा चलाएं और शुरू से रिकॉर्ड करें, शुरू से जो आपका टीसी टाइम है वह शुरू से ले जीरो से स्टार्ट करें, तो आपको हमेशा ये जो टाइमिंग है, जो पहले से रिकॉर्ड होके टाइमिंग सेट होके रखा हुआ रहता है, उसको रीसेट करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टीसी प्रीसेट सेटिंग रीसेट करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन्यू बटन प्रेस करना है। जैसे आप मेन्यू बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा सेट, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है, टीसी यूबी सेट यहाँ पर आ जाना है। टीसी यूबी सेट पर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसी यूबी डिस्प्ले, इसके नीचे आप देख सकते हैं टीसी प्रीसेट, और इसके साइड में आपको दिखा रहा होगा 00000। तो यहाँ पर आपको इसे टीसी प्रीसेट को रीसेट करना है। तो यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है, सेट का बटन दबाना है। जैसे आप सेट का बटन दबाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट, जैसे आप यहाँ पर रीसेट पे आके ओके करेंगे तो आपका जो ये टाइमिंग है ऊपर देख सकते हैं 000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने रीसेट कर दिया है, और रीसेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टाइमिंग है, टीसी टाइमिंग जो 00 हो चुका है। तो आप इस तरह से अब कहीं भी दूसरा प्रोग्राम शूट करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि कितने घंटे की वीडियो आप शूट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।